हाय गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करूँगी मैट लुक की ये नई लिक्विड लिपस्टिक्स जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई है। इनका नाम है मैट क्रश वेलवेट मूस और ये मैंने कप्स एंड लैशेस से ली है और इनका MRP है 145 रुपीज़ ईच। एंड अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हैं देन ऑब्वियसली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 10 ml ऑफ प्रोडक्ट आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। यूजुअली लिक्विड लिपस्टिक्स में आपको 6 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है लेकिन इसमें आपको 10 ml मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसकी आउटर पैकेजिंग की बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में आती है तो आप इजीली अपना कलर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड जैसा कलर आपको बॉटल में दिखता है एग्जैक्ट वैसा ही लिप्स पे आता है। एंड इसकी एक्सपायरी डेट है जून 2022। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की। तो ये काफ़ी ओपेक और पिगमेंटेड है तो एक ही स्वाइप में आपको अच्छी खासी पिगमेंटेशन मिल जाएगी एंड आपको बार बार डिप करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जितना प्रोडक्ट वॉन्ड में आता है वो काफ़ी इनफ होता है लिप्स को कवर करने के लिए, तो आप एक्सेस प्रोडक्ट रिमूव भी कर सकते हैं। देन कंसिस्टेंसी जो इसकी है वो ना तो बहुत ही ज़्यादा रनी है और ना बहुत ही ज़्यादा थिक मूस की तरह है। इट इज़ समवेयर इन बिटवीन, तो जो कि एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी होती है। ये लिक्विड लिपस्टिक लगाने के बाद एक ठीक ठाक टाइम में सेट होती है, ना तो ये बहुत ही जल्दी सेट होती है और ना ही ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाती है, तो अराउंड 5 to 10 seconds में ही ड्राई हो जाती है। लगाने के बाद ये ड्राइंग नहीं लगती है लेकिन ये हल्की सी स्टिकी है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है लेकिन बहुत थोड़ी सी स्टिकी है। तो ओवरऑल कम्फर्ट लेवल इस पर डिपेंड करेगा कि आपको स्टिकी लिपस्टिक्स कैसी लगती हैं। इवन दो ये बहुत ही कम स्टिकी है तो अगर आप वो थोड़ी सी स्टिकीनेस बेयर कर सकते हैं देन आपको ये कंफर्टेबल लगेंगी, लेकिन अगर आपको हल्की सी भी स्टिकीनेस बर्दाश्त नहीं होती है तो आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगेंगी। अगर फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसमें एक फ्रूटी सेंट है जो कि किस ब्यूटी की लिपस्टिक्स में भी होता है। तो पहला शेड जो मेरे पास है वो है 26 पीच ट्विस्ट, लेकिन ये एक पीच शेड नहीं है, ये एक पिंक शेड है, एक ब्राइट नियॉन पिंक शेड। देन नेक्स्ट शेड जो मेरे पास है वो है 28 नेकेड और ये एक एकदम न्यूड शेड है तो ये आपको वॉश आउट कर सकता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल को ये वॉश आउट करेगा, मुझे भी ये ऑलमोस्ट वॉश आउट कर रहा था। तो ऑनेस्ट होनी इतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन अगर आप इसे किसी डार्क लिपस्टिक के साथ मिक्स करके लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये लास्ट शेड है 27 वॉलनट पीच और ये ब्राइट टेराकोटा शेड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आगे भी काफ़ी एक्साइटिंग वीडियोस डालती रहूँगी, नए नए प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालती रहूँगी। एंड टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।